सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पवन अरू के कंटेस्टेंट इनसे वो सब करवाने को मजबूर कर रहे हैं जिसे करने में पवन अरू हिचक रहे हैं, शर्मा रहे हैं और शर्म के मारे नजरें तक नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की वजह से पवन अरू को कभी एक टांग पर नाचना पड़ रहा है तो कभी किस करवानी पड़ रही है और कभी तो पवन अरू को मिस और मिसेस का टैग भी दिया जा रहा है। दरअसल एक बच्ची मंच पर आती है और कहती है कि मैं कैप्टन्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। लड़की सबसे पहले अरुणिता के पास जाती है और कहती है कि मैं अरुणिता दीदी के लिए मिस शर्मिली का रिबन लेकर आई हूँ। लड़की अरुणिता को खुद पहनाती है। उसके बाद हिमेश पूछते हैं कि पवनू के लिए क्या लेकर आई हो, तो लड़की कहती है उनके लिए मिस्टर शर्मिले का रिबन लेकर आई हूँ। अब मिसेस और मिस्टर शर्मिला शर्मिली की बात सुनकर अरुणिता शर्मा जाती है और पवन की नजरें झुक जाती है। सबके दिलों की धड़कने बढ़ जाती है। उसके बाद अलका जी बच्ची से कहती है कि हमारे कैप्टन को डांस नहीं आता है, क्या तुम सिखा सकती हो? बच्ची हाँ कहते हुए उन सबको मंच पर बुलाती है। सभी कैप्टन्स बच्ची की कॉपी करते हुए डांस करते हैं। उसके बाद सलमान कहते हैं कि अब पवन की शोले करने की बारी है। पवन नाना करते हुए क्यूट सी परफॉर्मेंस देते हैं जिसे देखकर अरुणिता तो पागल ही हो जाती है। जब पवन जेब में हाथ डालकर सलमान की स्टेप करते हैं, अरुणिता पवन की स्टेप देखकर इतना हंसती है कि वो घूम घूम कर डांस करने लगती है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन सबका दिल खुश कर देते हैं। वही छोटा सा क्यूट बच्चा भी आता है जिसके साथ ये पांचों कैप्टन्स मिलकर गाना गाते हैं। ये क्यूट बच्चा इतना प्यारा था कि इसने सभी कैप्टन्स को किस किया। बच्चे से अरुणिता को इतना प्यार हो जाता है कि अरुणिता माइक साइड में रखकर बच्चे को गोद लेकर चल देती हैं। तो अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। पवनदीप नेपाल अकेले जरूर चले गए लेकिन उन्हें अरुणिता की बहुत याद सता रही है। जी हाँ, जब एक महिला उनके पास सेल्फी के लिए आती है तो पवनदीप उसे एक टक देखते रहते हैं और इस महिला में पवनदीप को अरुणिता ही दिखाई देती है। हालांकि पवनदीप महिलाओं से बात करने में बहुत ही हिचकते हैं लेकिन अरुणिता के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। और फिर इस महिला ने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी जिसे देखकर पवन को अरुणिता की याद तो आनी ही थी। और जब पवन हेलीकॉप्टर से नेपाल पहुंचे तो पूरे रास्ते अरुणिता को ही मिस करते गए। जी हाँ, हेलीकॉप्टर में वो अपनी टीम के लोगों से अरुणिता की तारीफ करते दिखे। उस वक्त पवन का चेहरा देखने लायक होता है। हेलीकॉप्टर की सवारी करते वक्त पवनदीप की पूरी वीडियो सामने आ गई है जिसमें पवनदीप प्यारी से स्माइल देते नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में अरुणिता की चमक दिखाई दे रही है। प्रिंटेड शर्ट और काला चश्मा पवन पर खूब सूट कर रहा है। वैसे ये दिन काफी दिन बाद आया जब पवन को बिना अरुणिता के अकेले ही बाहर जाना पड़ा। अभी तक वो अरुणिता के साथ ही इवेंट पर जाते थे लेकिन आज बहुत टाइम बाद उन्हें अकेले देखा गया। ऐसे में फैंस भी पवन के साथ अरुणिता को मिस कर रहे हैं। ऐसे में पवन बार बार अरुणिता का नाम लेते दिखाई दिए। वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे हेलीकॉप्टर में पवनदीप के साथ अरुणिता भी पास वाली सीट पर बैठी हूँ। पवनदीप जब हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ काफी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। पवनदीप उन सब से हाय बाय बोलते हैं और उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। पवनदीप जब इवेंट वाली जगह पहुँचते हैं तो वहाँ भी पवनदीप का खास स्वागत किया जाता है। उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है। फिर आप पवनदीप अरुणिता की जोड़ी कितना पसंद करते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के कैप्टन और इंडियन आइडल 12 के फेम कंटेस्टेंट रह चुके सिंगर सलमान अली इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं। आखिरकार सलमान अली को भी हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना गाने का मौका मिल ही चुका है। हालांकि इससे पहले भी सलमान अली कई बार हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन इस बार वो हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने के बाद काफी सुर्खियों में हैं। उनका नाम पवन अरू से जुड़ने की वजह से उनका गाना भी हिट हो गया। पवन अरू की वजह से उनके गाने पर काफी ज्यादा असर हुआ। दरअसल हाल ही में सलमान अली का नया गाना ओ माई रिलीज हुआ जिसके बाद सलमान अली ने इस गाने के कई रील वीडियो पवन अरू के साथ बनाए। इसके वीडियो हाल ही में खूब वायरल भी हुए थे। तब से लोगों की नजरें सलमान अली पर टिकी हुई है। उनके इस गाने के व्यूज बढ़ने लगे, लोग उन्हें पसंद करने लगे। जब सलमान अली सुर्खियों में आए तो लोग उनका नाम मशहूर सिंगर अरुणिता कांचीलाल से भी जोड़ने लगे।
लोग कहने लगे कि सलमान अली की आवाज बहुत अच्छी है और उन्हें एक बार अरुणिता कांचीलाल के साथ मिलकर ड्यूट गाना रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वहीं सलमान अली का वो गाना सुना जाए जिसमें हाल ही में हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। उसमें सलमान अली की आंखों में बाकायदा आंसू देखे जा रहे हैं। सलमान अली ने इमोशंस के साथ ये गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड करवाते वक्त सलमान अली वहीं रोने लगे थे। सलमान अली की आंखों में आंसू निकलते दिखाई दे रहे हैं, वो रोते नजर आ रहे हैं। एक तो दर्द भरा गाना, ऊपर से आंसू लोगों के दिलों को छू गए। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या सलमान अली को भी अरुणिता कांचीलाल के साथ एक ड्यूट परफॉर्मेंस देनी चाहिए? सुपरस्टार सिंगर 2 के कैप्टन पवनदीप, अरुणिता, शायली, दानिश और सलमान इस शो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार ये सब शो में कंटेस्टेंट से कैप्टन बने हैं। ऐसे में इनकी जर्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत और यादगार होने वाली है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अपनी इस खूबसूरत जर्नी के लिए अरुदीप और बाकी सभी कंटेस्टेंट ने जी जान से मेहनत लगा दी है। वो तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे ये सब अलग अलग शहरों में गए थे और वहाँ इन्होंने एक एक बच्चे से बात करके उन्हें इस मंच तक लाने में पूरी तैयारी की थी। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पवनदीप, अरुणिता और सलमान अली के तैयार किए कंटेस्टेंट पसंद किए जा रहे हैं। जैसे पवन अनु हैं, वैसे ही इनके धुरंधर कंटेस्टेंट भी हैं और इस रेस में मोहम्मद दानिश तो बिल्कुल पीछे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी कंटेस्टेंट दिखाई दिए वो सब पवन और अरुणिता या सलमान के थे। दानिश ने जिन कंटेस्टेंट को तैयार किया वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में इन कैप्टन्स के बीच भी जंग छिड़ी है और ये सब अपने अपने कंटेस्टेंट को तैयार करने में लग गए हैं। जब लगातार पवन अरु सलमान के कंटेस्टेंट ही बिंदास परफॉर्मेंस दे रहे थे तो हिमेश रेशमिया ने कहा कि मुझे दानिश तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो अगर तुम्हारा कोई कंटेस्टेंट आ रहा है तो मेरी उम्मीद पर पानी ना फेरना। मतलब मंच पर दानिश की अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। फिर क्या, दानिश जोश में उठते हैं और कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया है, मेरा ऐसा शेर आने वाला है कि आप सब देखते रह जाएंगे। दानिश बड़े मज़ेदार तरीके से अपने कंटेस्टेंट को मंच पर बुलाते हैं और फिर ये कंटेस्टेंट गाना भी गाता है, लेकिन फिर से वही हाल होता है। दानिश कहते हैं कि ये शेर 10 के बराबर है, सबको हिलाकर रख देगा। सारे कैप्टन दानिश को देखने लगते हैं और सब तैयार भी हो जाते हैं कि वो कौन से कंटेस्टेंट को तैयार करें जो दानिश को हरा सके। तो ये कैप्टन्स के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में आपको किसके कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं।